हे नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी दोस्तों, और जो हमारे पास एक क्रीम है, आज हम इस क्रीम के बारे में बताएंगे दोस्तों। इसके मेन यूज़, इसके साइड इफेक्ट और इसकी एक्सटर्नल डोज के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों, ये जो हमारे पास क्रीम है, इसका जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है एस्ट्रालाइट। इसका कंपनी ने नाम ब्रांड नेम रखा है दोस्तों। ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम्स मार्केट में मिल जाती है, जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं दोस्तों। तो काफ़ी अलग अलग ब्रांड नेम्स आती है दोस्तों। एक्स्ट्रा लाइट मिल्ड इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है दोस्तों। ये 10 ग्राम की है दोस्तों। ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम्स मार्केट में मिल जाती है। अब दोस्तों, चलिए मैं इसका साल्ट यानी केमिकल नेम यानी फार्मूला यानी कि इसका मैं बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या केमिकल है, क्या केमिकल से बनी हुई है, यानी साल्ट इसका फार्मूला क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैं इसका आपको फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद इसके यूज़ बताएंगे। तो मैं इसका आपको साल्ट बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें दोस्तों एजिलेक एसिड एंड टिरोटोनाइन इसके अंदर है दोस्तों, जिसका आप देख रहे हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, इसके अंदर है एजिलेक एसिड एंड टिरोटोनाइन दोस्तों इसके अंदर है। तो चलिए अब दोस्तों, ये हमने इसके साल्ट यानी केमिकल के बारे में बताया दोस्तों, इसके अंदर है। अब मैं दोस्तों इसमें बता देता हूँ कि कितनी कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ इसके अंदर है, केमिकल है दोस्तों। इसके अंदर है एजिलेक एसिड, इसके अंदर है 10% दोस्तों, और दोस्तों टिरोटोनाइन है 0.025% है दोस्तों इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका आपको जल्दी से मेन यूज़ बता देता हूँ कि ये किस चीज़ में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो एलर्जी कंडीशन में लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपके दाने निकल गए हों, या आपके फेस पे धब्बे हो गए हों, काले धब्बे जैसे आप नीचे फोटो में देखते जाइए दोस्तों, या दाने इस टाइप के निकल गए हों मवाद वाले, या आपके मुहासे हो गए हों चेहरे पे, या दोस्तों झुर्रियाँ आ गई हों स्किन में जैसे आप देख रहे हैं नीचे, या काले धब्बे पड़ गए हों, या त्वचा पर दोस्तों दाने निकल जाते हैं, वही जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें इसका यूज़ अच्छा लिया जाता है काफ़ी दोस्तों। एक बड़ी बीमारी है वो मैं बताता हूँ, इसका बहुत कमी से डॉक्टर यूज़ लेते हैं, वो जैसे कि सफ़ेद रक्त कोशिका वाला कैंसर होता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ लेते हैं स्किन वाले डॉक्टर भी इसका यूज़ ज़्यादातर लिया जाता है, डर्मोलॉजिस्ट जिसको बोल देते हैं वो इसका यूज़ लेते हैं ज़्यादातर क्रीम का। तो दोस्तों, जैसे कि ये बाल होते हैं रुए के, ये भी झड़ने से थोड़ा ये रोकता है, लेकिन आजकल लोग बाल, तो दोस्तों ये जो आती है सबसे ज़्यादा एलर्जी कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, जिससे मैंने आपको बताया, अगर आपके काले निशान हो गए हो जैसे आप नीचे फोटो में देख रहे हो, किसी दवाई का रिएक्शन हो गया हो, या आपके दोस्तों झुर्रियाँ पड़ गई हों जैसे झाइयाँ जैसे आप देख रहे हैं, या आपकी किसी त्वचा पे दाने हो गए हों, फेस पे दाने हो गए हों, या धब्बे हो गए हों, उसमें इसका यूज़ दोस्तों लिया जाता है दोस्तों। चलिए अब मैं इसके, मैंने आपको यूजेस बताए, मैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ बढ़ लेता हूँ कि इसके नुकसान क्या होते हैं देखने को आपको मिलेंगे दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, एलर्जी के लिए है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इसे लगाने के बाद में हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलता, मतलब हम लगा रहे हैं उसे, अप्लाई कर रहे हैं शरीर में, लगा रहे हैं बार बार, और हमें इसका रिजल्ट नहीं मिलता, यानी कि खुजाहट रुक नहीं रही, वो काले धब्बे हट नहीं रहे, यानी कि वो झाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। तो दोस्तों फिर समझ लीजिए कि ये क्रीम आपको शूट नहीं कर रही है, आप अपने डॉक्टर से बोलिए कि अपने डॉक्टर को बताइए वो, ताकि आपको इससे अच्छा साल्ट यानी केमिकल आपको दे सके। तो जैसे कि मान लीजिए आप इसके जो साइड इफेक्ट में होता है खुजली, रोकी त्वचा, सूजन, या पसीना आना ज़्यादा, गर्मी महसूस करना ज़्यादा, या दोस्तों त्वचा की जलन हो जाती है, या त्वचा के लाल चकदे हो जाती हैं इसे लेने से, तो दोस्तों इसके कॉमन से साइड इफेक्ट हैं। वैसे एक्सटर्नल में इसके ज़्यादातर बाहर से लगाने में, अप्लाई करने में ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, तो ये कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट मैंने आपको बताए। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ इसके बारे में थोड़े से इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि दोस्तों, अगर इनमें से किसी बीमारी किसी व्यक्ति को, मतलब सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें से किसे किसे लेनी है, किसे ये क्रीम नहीं लगानी, किसे लगानी है किसे नहीं लगानी, यानी ये ओरल में, ओरल भी होती है और एक्सटर्नल में, ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ दोस्तों। तो जैसे दोस्तों कि गर्भवती महिला होती है उसके लिए बिल्कुल ठीक होती है, स्तनपान करने वाली महिला होती है जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है उसके लिए बिल्कुल ये एकदम ठीक होती है, या किडनी की जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बिल्कुल एकदम ये अच्छी क्रीम होती है दोस्तों, लगा सकते हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, और लीवर वाले अपने डॉक्टर की सलाह से इसे पूछ के लगाते हैं दोस्तों, यानी ओरल में एक्सटर्नल लगा सकते हैं। और दोस्तों दिल वाले हार्ट वालों के लिए भी बिल्कुल सुरक्षित होती है दोस्तों, क्योंकि एक्सटर्नल खाल पे अप्लाई करनी है बाहर से, जैसे आप देख रहे हैं, खाने की नहीं होती दोस्तों ये। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ओरल की बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, खाने के लिए दोस्तों। अगर इनमें से किसी को बीमारी होती है दोस्तों, इनमें से कोई सी अगर ये बीमारी हो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए किसी को दमा हो, एलर्जी हो, एलर्जी की है, अगर ज़्यादा कोई एलर्जी अपने, मतलब क्योंकि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली दवाई है, तो अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही पूछ के ही लें
क्या मालूम आपको कैसे एलर्जी है, क्योंकि एलर्जी कई टाइप की होती है, वो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों आपको आगे चल के। तो माफी चाहता हूँ वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए बता नहीं पाऊंगा। या हार्ट फेल हो दोस्तों, एंजाइना हो, ये हार्ट का ही एक रूप है दोस्तों या एलर्जी। तो इस कंडीशन में इसका यूज नहीं करें, अपने डॉक्टर की सलाह से करें, अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो इसका यूज आप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी एक्सटर्नल डोज के बारे में, यानी कि एक्सटर्नल डोज यानी लगाने के बारे में। तो दोस्तों हम इसे दिन में 3 बार लगा सकते हैं, अगर ज्यादा समस्या है मतलब ज्यादा दिक्कत है तो हम 3 बार लगा सकते हैं, सुबह शाम और दोपहर। और दोस्तों अगर हमें कम दिक्कत है तो उसे हम 2 टाइम भी लगा सकते हैं, सुबह शाम, और अगर उससे कम है समस्या तो इसे रात में अगर सोते टाइम लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। तो दोस्तों ये एक्सटर्नल है, इसमें तो बच्चे के लिए है, वो तो आप देख के लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं स्किन पे। तो ये दोस्तों मैंने कुछ आपको इसकी डोज के बारे में भी बताया दोस्तों। तो अब मैं दोस्तों आपको इसके कुछ बताए देता हूँ कि अब मैं इस क्रीम के दोस्तों आपको यूजेस मैं दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली क्रीम है, हर मेडिकल पे अवेलेबल होती है दोस्तों। मैं इसकी खास बात बता देता हूँ, मेल भी और फीमेल भी यूज़ करते हैं दोस्तों, तो स्किन वाले डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट इसको ज़्यादा रखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैंने इसकी आपको इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि दोस्तों इसका रेट घटता बढ़ता रहता है, ये 10 mg में बड़ी भी आती है, इससे छोटी भी आती है। तो दोस्तों मैं इसका आपको मेन यूज़ बता देता हूँ कि दोस्तों इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुहासे हो जाते हैं या जैसे काले धब्बे हो जाते हैं स्किन पे, सबसे ज़्यादा मेन यूज़ जो लिया जाता है, काले काले निशान हो जाते हैं जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या मान लीजिए झाइयाँ हो गई चेहरे पर या काले निशान हो रहे हैं उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। त्वचा पे जलन हो जाती है तो दोस्तों उसमें इसका यूज मतलब लिया जाता है, जलन में भी दोस्तों। तो एक खास बात और, इसे जले हुए में नहीं लगाना होता बिल्कुल भी, अगर कोई व्यक्ति अगर जल गया तो उसमें इसका यूज बिल्कुल नहीं करें। के लिए सिल्वर लैक्स वगैरह वगैरह क्रीम आती है उसका यूज होता है, जले हुए में बिल्कुल नहीं करना होता। तो इसका मेन यूज जो होता है दोस्तों, मुहासे हो गए हो, काले धब्बे हो गए हों, या दोस्तों त्वचा पे दाने हो गए हो मवाद वाले, तो उसमें इसका यूज लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। धन्यवाद।